हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11 के लिए नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बच्चे, इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर्स को डिटेल में स्टडी किया था और क्वांटम नंबर के बेसिस पर ही, उनके स्टडी के बेसिस पर ही पॉली ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल दे दिया जिसको हम बोल रहे हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम में, उसके पास चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। मीन्स व्हाट ही स्टेट दैट, इट स्टेटेड दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर, कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम में अगर 20 इलेक्ट्रॉन है या 30 इलेक्ट्रॉन है, जितने भी हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन के चारों जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। मीन्स तीन सेम हो सकते हैं, दो सेम हो सकते हैं, लेकिन एक उनमें जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसको फर्दर ऐसे भी बोला जा सकता है, इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो जो दो इलेक्ट्रॉन आएंगी उनकी स्पिन हमेशा क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। मतलब अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्या रोटेट करना चाहिए बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए। देखिए, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी आप सिर्फ डेफिनेशन पर कंसंट्रेट करिए कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए, यहाँ से बात देख लीजिए, पॉली एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना। मीन्स इन्होंने ये कहा कि अगर एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, मान लिया ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने एन, एल, एम और एस की वैल्यू प्रोवाइड कर दी, कुछ भी। मान लिया मैं कह रही हूँ ये 3 है, ये 2 है, मान लिया ये 0 है और ये प्लस हाफ है या माइनस हाफ है। अगर ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपने इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो आप ये मान के चलिए कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर और किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं दिया जा सकता। इसको तो आपको एक्सक्लूड करके चलना पड़ेगा कि आप ये इसको दे चुके हो तो आप ये किसी और को नहीं दे सकते हो। दैट इज वाई दिस प्रिंसिपल इज नोन एज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स। इसको फर्दर डिटेल में स्टडी करने के लिए कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, लेट मी डिस्कस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये चीज़ भी तभी आपको समझ में आएगी जब आपको ये पता चलेगा कि ये बात भी मैंने क्यों लिखी है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, एक क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए और दूसरा कैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए। तो लेट वी डिस्कस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बार और हम इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। सो लेट वी डिस्कस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेटेड इन एनी शेल, सब शेल और ऑर्बिटल, ठीक है। शेल के बारे में कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल के बारे में कौन बताता है, एज्यूमिटल क्वांटम नंबर। और ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्पिन के बारे में, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जो पहली शेल है के, एन, एल, एम और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एस, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पर देख लेंगे टोटल कितने आएंगे, और फिर यहाँ पर हम बात कर लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। के लिए एन की वैल्यू बच्चे 1 होती है। अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की हमने कहा एक ही वैल्यू हो सकती है, वो कितनी, 0। मीन्स एन गिनती में किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता है। मीन्स जितनी शेल होंगी उतनी ही
सब शेल होंगी. दिस इज शेल और दिस इज सब शेल. और ये क्या है? ऑर्बिटल है. ठीक है. और हमें मालूम है m की वैल्यू कितनी होती है? माइनस l2 प्लस l. मींस जीरो a की वैल्यू रहेगी. अगर a की वैल्यू रहेगी तो हम अगर l की वैल्यू 1 है तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? s वर्ड यूज करते हैं. यानी कि इस ऑर्बिटल को मैं क्या नाम दे सकती हूँ? मैं इसको नाम दे सकती हूँ दैट इज 1s. इस ऑर्बिटल को क्या नाम दिया जा सकता है? 1s. और जो इसकी स्पिन है वो या तो प्लस हाफ हो सकती है या वो माइनस हाफ हो सकती है. दोनों में से या ये या ये. तो अगर मैं इसमें बात करूँ ऑर्बिटल की, यहाँ लिख देती हूँ मैं 1s को. दिस इज 1s और इसमें या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे एकोमोडेट हो सकता है या फिर ऐसे एकोमोडेट हो सकता है. मीन्स मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं. चलिए फिल भी कर देते हैं. हैविंग स्पिन क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज. ठीक है. देन वी टॉक अबाउट के एल. एल में कितनी एन की वैल्यू होती है? 2. या फिर एन की वैल्यू अगर 2 हो तो देखिए यहाँ पर एल में कितनी वैल्यू हो सकती है बच्चे? 1 और 0 और 1. अगर ये 2 है तो इसकी दो वैल्यू पॉसिबल हैं, 0 और 1. मीन्स n अगर 2 है तो l की भी 2 ही वैल्यू होंगी, बट इक्वल नहीं हो सकती. इसकी वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती. अब यहाँ पर m देखिए, इसका मतलब अगर m है तो वैल्यू 0 हो जाएगी. इसके लिए 0, अगर इसके लिए तो कितनी वैल्यू हो जाएंगी? माइनस 1, 0 एंड प्लस 1. माइनस 1, 0 एंड प्लस 1. स्पिन देखिए, इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी ऐसे लिख देते हैं. माइनस 1, 0, प्लस 1. तो इसके लिए स्पिन प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, इसके लिए भी स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ, इसके लिए भी स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ. मीन्स इसमें भी एक ऑर्बिटल, इसमें भी एक ऑर्बिटल, इसमें भी एक ऑर्बिटल. और क्योंकि ये तीनों ही सेम है, यानी कि कौन से हैं? ये है 2s और ये है 2p. ये कौन सा है? दिस इज 2s और ये क्या है? 2p. तो 2p को हम ऐसे लिख देते हैं और s को हम इसके लिए भी वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ. इसको हम लिख देते हैं 2s. इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो गए हमारे px, py एंड pz. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6. और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2. तो अब देखिए बच्चे, ये थी हमारी के शेल. के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2. ये थी हमारी एल शेल. एल में के एन की वैल्यू 2, इनकी वैल्यू 0 और 1, इसकी वैल्यू 0, माइनस 1, 0 और प्लस 1. अगर इसकी वैल्यू 0 है तो स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ कुछ भी हो सकती है. मींस मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक की प्लस हाफ या एक की माइनस हाफ, वो मुझे बताना पड़ेगा. कि अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो इसका मतलब प्लस हाफ की बात कर रही हूँ, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो मींस मैं माइनस हाफ की बात कर रही हूँ. मींस दोनों में से किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ. देन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन. वही हमने पढ़ा है कि एल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. के एल एम. नाउ वी टॉक अबाउट एम. एम एन की वैल्यू 3. अगर ये 3 है तो इसकी वैल्यू भी 3 पॉसिबल होंगी, 0, 1 एंड 2. कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी? 0, 1 एंड 2. तो m की वैल्यू अगर ये 0 है तो बच्चे 0 होगी. अगर 1 है तो 3 वैल्यू होंगी, माइनस 1, 0, प्लस 1. और अगर 2 है, थोड़ा सा कंजस्टेड लिख देते हैं, 1 है तो वैल्यू होगी 0, माइनस 1 और प्लस 1. ठीक है. और अगर बच्चे ये 2 है तो वैल्यू क्या होंगी? माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 2 या प्लस 1 और प्लस 2. 5 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, 5. सिमिलरली इन सब के लिए ऐसे ही स्पिन कितनी होगी? हाफ 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 सब के लिए. अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इस वाले ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा बच्चे 3s. इस वाले का नाम क्या हो जाएगा? 3p. इस वाले का नाम क्या हो जाएगा? 3. और ये क्या है? इसके लिए d, यानी कि 3d. समझ आ रही है ना बात? 3 किसके लिए? इसके लिए. और 2 के लिए क्या? d. क्यों? क्योंकि हमने कहा है 0, 1, 2, 3. अगर ये l की वैल्यू है तो s, p, d और f, ऐसे इनको नेम दिए जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे सबकी सेम, प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, सब के लिए. तो 3s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चे? 2 होंगे, है ना. सिमिलरली 3p में 3 ऑर्बिटल होंगे, एक px, एक py और एक कौन? pz. ये रहा, दैट इज py, pz और ये कौन है? px. ठीक है. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर कौन आ गया? d. d में टोटल कितने बच्चे? 5.
इट हैव फाइव एंड ऑल द फाइव दे हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स. कौन? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स डी जेड स्क्वायर एंड सो ऑन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 10. यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 6. यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2. तो काउंट करिए, 10 प्लस 6 प्लस 2, टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन. मीन्स M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहीं से आते हैं. इसलिए बच्चे अगर आपको ध्यान हो, हम जब 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो हम ऐसे करते थे K L M लाइक दिस. लेकिन अब जब हम प्लस वन में हो गए हैं, जब हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हो गई है, जब हमें S P D F ऑर्बिटल सबशेल इन सब के बारे में पता चल गया है, तो हम के एल एम एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना करके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इनमें करना स्टार्ट कर देते हैं. 1s, 2s, 3s लाइक दिस. तो ये जो ऑर्बिटल है बच्चे, 1s, 2s, ये कौन हो गया? 2p. ये कौन हो गया? 3s. ये कौन हो गया? 3p. ये कौन हो गया? 3d ऑर्बिटल. दिस इज 3d ऑर्बिटल, दिस इज 3p ऑर्बिटल, दिस इज 3s, दिस इज 2p, दिस इज 2s एंड दिस इज सिमिलरली n. n की वैल्यू अगर 4 लिखेंगे तो आप इसी तरीके से इसको सोल्व कर लीजिएगा और आपको मिलेगा कि यहाँ पर फाइनली 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. चलो मैं एक बार कर भी देती हूँ. अगर हमने इसको मान लिया के एल एम एन, एन एन है तो वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी. अगर 4 होगी तो इसकी कितनी वैल्यू होंगी? 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज होंगी. ठीक है, अगर 4 वैल्यूज होंगी इसके लिए, देखिए 3 वैल्यूज होंगी. कौन सी 3 वैल्यू? -1, 0, +1. इसके लिए 5 वैल्यू होंगी, -2, -1, 0, +1, +2. इसके लिए कितनी होंगी? 7 वैल्यू होंगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3. तो यहाँ पे कितनी? 7. यहाँ पे कितनी? 5. यहाँ पे कितनी? 3. यहाँ पे कितनी? 1. तो टोटल ऑर्बिटल अगर मैं काउंट करूँगी बच्चे, 7 और 5, 12, 13, 14, 15 और 16, 16 ऑर्बिटल. और इन 16 ऑर्बिटल में यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे? इट हैव 32 इलेक्ट्रॉन. मींस जो 5 आएगा, यानी कि जिसमें 5 ऑर्बिटल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट हो सकते हैं? 10. अगर 7 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट हो सकते हैं? 14. अगर 3 है तो कितने हो सकते हैं? 6. अगर 1 है तो कितने हो सकते हैं? दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन. तो मैक्सिमम यहाँ से कितने आएंगे? 32. इसीलिए हम बोलते थे 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें? के एल एम और एन सबशेल में. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी सबशेल में हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी शेल में हो सकते हैं. फ्रेंड, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल. लेकिन अगर हमें क्या किया जाए, डायरेक्ट हमें 1-1 मार्क के क्वेश्चन हमें दे दिए जाएँ, तो डायरेक्टली हम कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, सबशेल और ऑर्बिटल निकाल सकते हैं? उसके लिए हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे. देखिए, अगर हम बात करें नंबर ऑफ सबशेल्स, वो तो किसके बराबर होती है? एन के बराबर होती है, इन एनी एंथ शेल. जैसे अगर मैं फर्स्ट शेल की बात कर रही हूँ तो उसमें सबशेल भी 1 होगी. अगर मैं सेकंड की बात कर रही हूँ, एन की वैल्यू अगर 2 है तो उसमें जो सबशेल होंगी वो भी 2 होंगी, 0, 1. अगर 3 है तो 0, 1, 2, 3 ही होंगी. मीन्स नंबर ऑफ सबशेल्स किसके बराबर होती हैं? एन के बराबर होती हैं, इन एनी एंथ शेल, किसी भी एंथ शेल में. ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड की अगर हम बात करें, अगर हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल. चलिए सबशेल देख लेते हैं. नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबशेल, किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो बच्चे अगर सबशेल में हमें ऑर्बिटल निकालने हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2l+1. ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबशेल निकालने हैं तो फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1. देखिए, अब मैं इसको प्रूव भी करके दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हमें ये बताना है n की वैल्यू है मान लिया 3, तो L की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी. L की 3 वैल्यू होंगी. अब हमसे हम इसमें नहीं पूछ रहे, हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे इस सब शेल में, क्योंकि ये सब शेल है. इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कितने ऑर्बिटल होंगे? ठीक है, अगर इसमें हमसे पूछ लिया तो मेरा फॉर्मूला क्या है बेटा? 2 × 1 + 1, है ना. तो 2 × 1, 2 + यानी कि 1, यानी कि 3. मीन्स कितने ऑर्बिटल हुए? 3. फॉर्मूले से 3 आए हैं. अगर इसमें निकालना हो तो 2 × 2 = 4 + 1, यानी कि यहाँ पर कितने आएंगे? 5 ऑर्बिटल. ठीक है, फॉर्मूले से. अब देखिए, एक्चुअल निकाल के देखिए, अगर सबशेल 1 है
तो इसमें अगर मुझे ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, एम की वैल्यू। इसके लिए एम की वैल्यू क्या होंगी, देखिए माइनस वन जीरो प्लस वन, यानी कि पी एक्स पी वाई पी जेड, तो कितने ऑर्बिटल हुए, थ्री, वही हम बोल रहे थे। अगर इसकी वैल्यू टू है तो एम की कितनी वैल्यू होंगी, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, टोटल कितनी वैल्यू हुई, फाइव। कितने ऑर्बिटल हुए, फाइव, वही हम बोल रहे थे, टोटल फाइव ऑर्बिटल होंगे। मीन्स आप इस तरीके से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबशेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2l प्लस वन। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके, ट्वाइस, क्योंकि अगर एक में तीन ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो कितने होंगे, छः, टू पी एक्स में, टू पी वाई में और टू पी जेड में। सिमिलरली अगर ऑर्बिटल फाइव है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 होंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स अगर हमें पता चल गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अपने आप पता चल गया। थर्ड, अब हमें पूछा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल, किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे। तो बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं एन स्क्वायर के बराबर। देखिए अगर एन की वैल्यू है वन, ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ एक ही होगी, जीरो। एल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, और एम की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, है ना। और अगर मुझे मुझे तो क्या पूछा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ऑर्बिटल, ओनली वन ऑर्बिटल। देखिए एन की वैल्यू वन, वन का स्क्वायर कितना होता है, वन, तो इसमें ऑर्बिटल कितना हुआ, वन ही ऑर्बिटल हुआ। अगर एन की वैल्यू है टू तो एल की वैल्यू होगी जीरो एंड वन, अगर जीरो और वन होगी तो इसके लिए जीरो और इसके लिए माइनस वन प्लस वन और जीरो, ठीक है। तो कितने हो गए, वन टू थ्री फोर, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, पॉसिबल चार, एक ये रहा, दो तीन चार, तो टू का स्क्वायर मीन्स चार, है ना, टू का स्क्वायर। अगर थ्री होगा, थ्री थ्री जा नाइन, यहाँ पर नाइन ऑर्बिटल। मीन्स किसी भी शेल में नंबर ऑफ, सॉरी, इन एनी शेल, वी आर टॉकिंग अबाउट शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला एन स्क्वायर। अगर n की वैल्यू 2 है तो 4 ऑर्बिटल, अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 ऑर्बिटल, अगर n की वैल्यू 3 है तो 9 ऑर्बिटल, अगर n की वैल्यू 4 है तो 16 ऑर्बिटल, सो ऑन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर, दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है बच्चे, तो भी आप क्वांटम नंबर्स को देख सकते हैं और बता सकते हैं। अब देखिए जो हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किया था उसकी बात करते हैं। देखिए बच्चे, अगर मेरे को कह दिया गया कि 3s के लिए मुझे चार क्वांटम नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, तो 3 में इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 3। s है, इसका मतलब l की वैल्यू कितनी है बच्चे, यहाँ पे 0 1 2, ये तीन वैल्यू होंगी एल के लिए पॉसिबल। और क्योंकि एस था तो ये एस है, ये पी है और ये क्या है, डी है। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, 3s, वी आर टॉकिंग अबाउट 3s, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3s। और अगर मैं एम की बात करूं तो इसके लिए वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर इसी की बात करें ना 3s की, तो एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 0 और एम की वैल्यू भी 0। और अगर मैं बात करूँ एस की, या तो माइनस हाफ हो सकती है या प्लस हाफ हो सकती है। और इस 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चे, दो हो सकते हैं, एक ये और एक ये। देखिए इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3, s की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और जो स्पिन है वो है प्लस हाफ। कितनी है, प्लस हाफ, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के तीन चार क्वांटम नंबर कितने हो गए, 3, 0, 0, प्लस हाफ। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू कितनी होगी, माइनस हाफ। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन के लिए 3, 0, 0, माइनस हाफ। तो मीन्स किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अगर उनकी स्पिन सेम हो गई, मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ऐसे, तो इसकी भी स्पिन कितनी हो जाएगी, प्लस हाफ, है ना, इसकी भी। इसका मतलब इसके और इसके चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या हो गए, सेम। लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर ये सेट आपने इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया है तो ये वाला सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर आप किसी और को नहीं दे सकते। इसका मतलब ये तो गलत है। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐसे डालते हैं, ये गलत है। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐसे डालते हैं, ये भी गलत है।
तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, ऐसे या फिर ऐसे, एक की स्पिन ऊपर एक की स्पिन नीचे, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एक एंटी क्लॉकवाइज, मींस ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी स्पिन कितनी होगी, माइनस हाफ। इसी तरीके से ये रूल सब पे एप्लीकेबल होता है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन।